मणिपुर की हिंसा को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी बात कही, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर के गुस्सा है। एनडीए के नए सहयोगी ओपी राजभर हमारे साथ में। राजभर जी, मणिपुर की तस्वीरें लगातार विपक्ष के साथ साथ सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट का सवाल है, आप कैसे देखते हैं, क्या राज्य सरकार जिम्मेदार है? देखिए, उस घटना की हम निंदा करते हैं, ऐसी घटना देश में नहीं होनी चाहिए, और जिस प्रदेश में घटना हुई उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और जांच हो रही है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि फिर दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह का साहस न कर सके, इस तरह की घटना को अंजाम देने। आपको लगता नहीं देर हो गई? 5 तारीख का वीडियो बताया जा रहा है, 2.5 महीना हो चुका है, वायरल होता है तब प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना गया, फेलियर नहीं है मणिपुर की बीजेपी सरकार का? देखिए, मणिपुर अब जब मामला संज्ञान में आखिर में आज क्यों आया? जब घटना हुई तो उसी समय जो सरकार की एजेंसियां थी वही सूचना देती हैं सरकार को, तो जो एजेंसी है वो फेलियर है। अगर इस तरह की घटना हुई तो उनको सरकार को अवगत कराना चाहिए कि इस तरह की घटना, इसको लेकर जांच करके इसको जो दोषी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक सवाल कर लेता हूँ, आपको लगता है कि जिस तरह की आपकी वापसी हुई है, जिन शर्तों के साथ आप आए थे, सीट की बात और सरकार की बात, उसमें अभी राजभर कहाँ है? अपने जगह सही है। कहाँ है, कितनी सीटें, क्या वापसी, किस तरीके का खाचा होगा? 8 तारीख को जाएंगे, सब चीजें तय हो जाएंगी, आएंगे तो आपको बता देंगे कि राजभर सीट में कहाँ है, सरकार में कहाँ है, लौट के आएंगे तो बता देंगे। 3% सीट, 6% वोट पाप है? 6% वोट तो हम नहीं हासिल कर सकते ना, उतनी सीटें लड़ना पड़ेगा ना, तब ना वोट मिलेगा। सीटों पर हम लोग बातें बन सकती हैं, उतना पर हम परसेंटेज पा सकते हैं, अब बशर्ते कि हमारे अलायंस हम जिनके साथ किए हैं, अब उनके साथ और दल के लोग हैं, भाई हमारे, हम तो अपना पक्ष न रख रहे हैं, देना न देना है उनका काम है, लेना हमारा काम है, तो वो जैसी स्थिति बनी वैसे किया जाए। तो ये गठबंधन सशर्त है कि कोई शर्त नहीं है? कोई शर्त नहीं है। देखिए, देश के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं, गरीबों तक पहुंचे, यही सबका लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर के 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है, 330+ सीट जीत करके दिखाने का भी प्रयास हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर के लगातार विपक्ष के साथ साथ अब सरकार भी कटघरे में है, जिसको लेकर के प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, आज तक।